जय शनिदेव भक्तों, मनु भैया जी का प्रणाम स्वीकार करो। तो शनिदेव महाराज, आज शनिवार का दिन है और पिछले शनिवार को एक लोगों के साथ हादसा हुआ। लोगों को पता चला कि आखिरकार वो जो मंदिर के नाम का दान कर रहे थे वो कहां गया, और बात भी ठीक थी और तेजी भी ज्यादा थी, और बहुत तेजी थी पैसा कमाने की, किसी व्यक्ति को बहुत तेजी थी बहुत ज्यादा आगे जाने की और बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की। उसने किया क्या, चौथा ग्रुप भी बना लिया। चौथे ग्रुप में भी 125 आदमी आए, एक आदमी नहीं आया, क्योंकि चौथे ग्रुप तक किसी को पता ही नहीं चला कि आखिरकार क्या हुआ। तो लोगों ने दृष्टि के लिए, लोगों ने अपनी चेकिंग के लिए जो पैसा दिया, ठीक है ना, भैया जी ने कहा कि वो यहां बार बार आए और उन्होंने पैसा मांगा, पैसा उन्होंने आंख मार के मांगा, ऐसे करके बोला मुझे 60% दोगे कि 100% दोगे, कैसे मांगा ऐसे, भैया मुझे 60% दोगे 100% दोगे, ठीक है, किस मुंबई अंदाज में। और अमनदीप सिंह भी, सरदार जी साथ थे, और वो पहली बार ही आए, यानी कि आज तक एक ही बार आए हैं उस दिन से जिस दिन से उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। कार्य के बारे में बता दूं, कार्य ये था कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 2-3 बार से लगातार कर्ज लेकर यहां पर आ रहा हूं और आप मेरी मदद करें। मैंने मदद भी की, लेकिन मदद का परिणाम जो है दुष्परिणाम में आया। मदद का परिणाम यह आया कि मदद आपको उतनी ही चाहिए थी जितना आपने करना था, बाकी तो मंदिर के पैसे हैं भाई, इसमें कोई मंदिर के नाम का, क्योंकि हमारे से तो कितने लोग जुड़े हुए हैं और हम उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, और कितने फोन रोजाना आते हैं। ठीक है जसमीत, आप बताएं कितने फोन रोजाना आते हैं। बहुत, एक नंबर पे कम से कम 500-600 कॉल्स आनी आनी है, यानी 1000 के करीब कॉल आती है और तीनों नंबर पे 1500 के करीब कॉल आती है। तो ये जो है ये लोगों से देखा नहीं जाता, और लोग यहाँ आकर केवल भगवान का दान पात्र देखते हैं और संस्था के द्वारा काटी गई रोजाना की रसीद देखते हैं भाई। ठीक है, वैसे करीम खान के मुंह में घी शक्कर, करीम खान बता रहे हैं भैया जी मिल करोड़पति हो गए, हम तो पहले से ही करोड़पति थे भाई, हम तो दिल के पहले से ही करोड़पति हैं। सुनो करीम खान जी, 6 महीने में अभी 31 लाख रुपया खाते में है, वो भी हम पूरा का पूरा दान कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं रख रहे उसमें से। क्यों? क्योंकि उसमें तुम्हारे द्वारा इकट्ठा किया गया पैसा मिल गया था, इसलिए जो है हमें ये नहीं पता कौन सा कैसा है कौन सा कैसा नहीं है, पूरा का पूरा 31 का 31 साफ कर रहे हैं हम, पूरा का पूरा टोटली। बहुत जल्दी भक्तों के सामने वो तीनों रसीदें आ जाएंगी जिसके रूप में हम पूरी दुनिया में धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मनु भैया जी भगवान की किताबें छपवा के बांटते हैं हमेशा ही मुफ्त में, और सारी की सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं आप लोगों के लिए। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये है कि किसी भी संस्था के पास बहुत सारी जमीनें होती है, हमारे पास बहुत सारी नहीं है, बहुत सारे एकड़ जमीन भी नहीं है, फिर भी करीम खान जी कहते हैं हमारे पास 15-20 करोड़ रुपया है तो हम उसमें बहुत सारी जमीन ले लेंगे लोगों के लिए, और लोग वहां जाया करेंगे, ठीक है हमारा भी बड़ा बन जाएगा भाई जब इतना ही पैसा है, आगे समझ में। तो भाई करीम खान जी आपने हमें करोड़पति अरबपति बना दिया, इसके लिए शुक्रिया, और सबसे बड़ी बात आपने मेहनत करके इतना पैसा भेजा, ठीक है वो भी अपने खातों से, उसके लिए भी शुक्रिया। ठीक है 4 लाख आपने भेजा, उसमें भी लोगों से 20-20 हजार 30-30 हजार और लाख लाख रुपए ले रखे थे उन 4 लाख में भी, और लोगों को ठग रखा था। सबसे बड़ी बात करीम खान क्या है कि हमें तो तुमने इतना भी टाइम नहीं दिया, क्या कहते हैं कि हम अपने खातों में आने वाली रकम को ही गिन सके। ठीक है वो तो मैंने उस दिन हाँ नहीं भरी, आपने तो उस दिन जाके वीडियो बना दी 20 लाख की और हमने हाँ नहीं भरी। करीम खान क्यों नहीं भरी? क्योंकि हमें पता ही नहीं था आपने कितना भेजा, हमें तो बाद में पता चला कि आपने 14 ही कुल भेजा और 4 भाई उसके भेजा, क्या कहते हैं 4 अपने पास आने वाले उन लोगों के माध्यम से भेजा, क्या कहते हैं, और जब आपको ये लगा कि 4 दिन में 4 लाख भैया जी के खाते में पहुंच गए, क्यों ना मैं अपने अकाउंट्स दूं, और आपने जो है ना बहुत छात्राना तरीके से कहा भैया जी आपको बुरा ना लगे वैसे मैंने कुछ नहीं रखना है, और जो आपने कहा है वो भी मैंने नहीं रखना है, आप अपने हाथ से जो दोगे वो मैं ले लूंगा, अपने हाथ से लेने नहीं आए थे करीम खान, मैं आदमी की फितरत जानता हूँ, छली आदमी कैसा होता है वो मुझे पता है, मुझे पता था तुम पहले से ही लोभी और स्वार्थी हो, और ये बात भी मैंने बहुतों को बता दी थी, ये बिना लोभ और बिना स्वार्थ पूरा किए बगैर जाएगा नहीं। दूसरा तुम्हारी जो फितरत थी वो ऐसी थी कि पंडोखर सरकार से हमारा कोई लेना देना नहीं था और उनसे हमारा केवल परिचय प्रेम का था, और परिचय प्रेम का जो है प्रेम का जो परिचय था वही प्रेम का प्रवर्तक था, और हमारा उन भाई से बिल्कुल प्रेम है रामचरण जी महाराज से, और तुमने विश्वासघात किया, तुम यहां से गए और वहां जाके क्या क्या कार्य किया। आज तुम बोलते हो कि मैं उनके लिए साधना कर रहा था, नहीं मैं तो तुम जैसों को यह दिखा रहा था कि उनके पास क्या क्या सिद्धियां हैं ले जाके, ठीक है, और हम कुछ भी करें हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है, हम पाप नहीं कमाते हैं,
हमने कहा भी जो लोग पुण्यशाली होते हैं पुण्य करते हैं उनकी सिद्धियां कभी भी कोई चोरी नहीं कर सकता, इसलिए धाम की भी सिद्धियां कभी नहीं घटती है, ये मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, और कभी घट भी नहीं सकती। बात यह है कि तुम्हारे पास ज्यादा सिद्धि बढ़ गई इसलिए तुम्हें ज्यादा दिखने लग गया और वो संस्कार में नहीं था। तो आपने क्या किया, आपको मैंने केवल एक बार का 40% देना था, सदा सदा के लिए आपने ये काम नहीं करना था। आपने क्या काम किया, आपने 3100 रुपए आदमी से लिए और फिर 5100 रुपए उसके लिए, क्या कहते हैं 3100 रुपए चेकिंग के लिए, 5100 उसके लिए, तो एक आदमी के 8000 रुपए तो आपके पास ऐसे ही पहुंच गए, 6848 इस तरह 48 लाख रुपए तो आपके पास यही इकट्ठा हो गया, क्योंकि 600 आदमी आपके पास थे ही थे और उसके ऊपर भी आपने बहुत सारी फोन कॉल्स ली और बहुत तेजी के साथ आपने पैसा इकट्ठा बटोरना शुरू कर दिया लोगों से। और हमें पैसे का कोई गम नहीं था, ना हमने पैसे की व्यवस्था की, ना हमने पैसे के बारे में सोचा, ना हमने जिक्र किया। जिक्र भी आपने ही किया, शुरुआत भी जिक्र करने की आपने ही की कि मनु भैया को मैंने 20 लाख दे दिया, इससे अच्छा तो यही कह देते कि भाई जो इकट्ठा किया वो मनु भैया को दे दिया। फिर लोगों को कुछ कुछ कहने लगे धाम के बारे में, फिर हमारे हनुमान जी से भी आप जो है नमाज और कुरान पढ़ाने लगे, हनुमान जी को भी, अरे भाई औकात में तो थोड़ा रहो, कम से कम ये तो पूछ रहे थे अगर गुरु मानते थे तो कि मैंने कितना बोलना है कितना नहीं बोलना है, मेरा लेवल कहां तक पहुंचा आप जांच लो, क्या कहते हैं मेरे चक्र वास्तव में खुले हैं कि नहीं खुले हैं, और मैं जो साधन कर रहा हूं क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक है, और मैं जो दृष्टि से देख पा रहा हूं क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक है। तो मैंने आपको पहले, एक साल पहले मैंने एक वीडियो डाली थी आपकी सिद्धियों के बारे में, परा के बारे में, और दूसरा मैंने स्पूर्णा दृष्टि के बारे में भी एक वीडियो डाली थी। आप अगर मुझे फॉलो करते तो वो वीडियो देखते, लेकिन आपने निखिल मुंबई को फॉलो किया और निखिल मुंबई को फॉलो करने के बाद आपका क्या असर हुआ ये दुनिया जानती है। आज आपके पास बिताने के लिए कुछ भी नहीं है बताने के लिए, और इसका मतलब क्या है कि केवल छल से दूसरी दूसरी बातें घुमाओगे। भाई ये शनिधाम है और इस शनिधाम की एक संस्था है, वो संस्था अपने अनुरूप काम करेगी, आपके बताने के अनुरूप काम नहीं करेगी, वो अपने कार्य अपने आप करना जानती है, उसने कहाँ जमीन लेनी है, कहाँ क्या स्थापित करने हैं, लोगों को कहाँ सुविधा देनी है। अब हमें कम से कम 2000 लोग हमारे पास 5 दिन की साधना करने आ रहे हैं, तुम झेंगे दे दो, तुम्हारी औकात होनी चाहिए, तुमने शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना था और अध्यात्म को नीचे गिराना था, ये तो मैंने तुम्हारी बात मानी नहीं, वरना तो तुम मेरा कंधा पकड़कर कंधे पर बैठकर और सवारी करना चाहते थे, तुम चाहते थे कि भारत के जितने भी हिंदू साधु हैं उनको नीचे गिरा देते। मैं जानता हूं कि तुम जिसको फॉलो करते हो, और फॉलो ये उसको करते हैं जो यहां से भाग गया, क्या नाम था उस मुस्लिम का, जाकिर नायक, फॉलो उसको करते हैं, उसकी वीडियो भी आपने डाली हुई है, बेशक वो आपका पसंदीदा होगा, और जो पसंदीदा होता है उसको जब फॉलो किया जाता है तो आप जो है दूसरे धर्म को डिगाना चाहते हैं। अरे हम तो इसलिए नहीं रोक पाए क्योंकि हम सनातन धर्मी हैं, दूसरा हम साबिर पिया के मुरीद हैं, अगर आप हमारे यहाँ आते हैं और हम आपको रोकते हैं तो हमारा हिंदू होने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, फिर भी हमने जो कहा वो कर दिखाया, हमने आपने कहा हमने बैंक की स्टेटमेंट दे दी, अभी तो हम आपको 8 महीने तक की बैंक की स्टेटमेंट दिखाने वाले हैं, क्योंकि जितना पैसा तुमने बताया उतना पैसा तो बैंक में आया ही नहीं। ठीक है, तो करीम खान तुम तो गए, एक बात, दूसरा करीम खान मंदिर के लिए भी मैं लोगों को बताने वाला हूं, हमें 8 मार्च की डेट मिली है कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेटिशन याचिका क्या है, बराबर के दोनों प्लॉटों पर क्या कहते हैं आपस में झगड़ा है, वो कह रहे हैं कि बराबर के प्लॉट वाले ने ही ये प्लॉट इनको बेचा है उसमें से, तो हमारा इस पे मुकदमा है, तो हमारा मुकदमा इस पे भी बनता है। अब उसकी जमीन नप गई है, आके देख लो निशान, ठीक है ना, सरदार जी को भेज देना, अमनदीप सिंह जी को, वैसे अमनदीप सिंह मुंह दिखाने लायक नहीं है, सरदार जी को भेज देना, अमनदीप सिंह जी को, क्या कहते हैं ये जो है इधर जो है हलवाई का जो मकान है कोने पे 15 फुट उसके अंदर की तरफ रोड पार करके निकली है, और आगे जो है 36 फुट निकली है रोड पार करके भी अगली साइड में, तो अब वो तो जमीन दबी हुई है उस खसरे की 228 नंबर, और 228 नंबर हमारे में केवल 300 गज आता है, जबकि 228 नंबर खसरे में ही ये जमीन है हमारी। तो मैं जनता को बताना चाहता हूं कि आप कितने झूठे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा और छली तू है। अगर मुस्लिमों में कोई सबसे होशियार है छलिया है तो वो ये है, और सरदारों में कोई भोंदू है सबसे तो वो अमनदीप सिंह है, और भोंदू भी कैसा, देखो कल मैंने कहा कि अमनदीप सिंह तू बड़े लड़कियों के नंबर लेता है, अब मैं पहले तो पढ़ के सुना देता हूँ फिर दिखा भी देता हूँ। जय शनिदेव, मैं ऑनलाइन बलि कराई थी, मेरे वाइफ की कराई थी, मैंने वैसे नेपाल से हूं, हाँ भैया बलि करने से मेरी वाइफ ठीक हो गई और मैं अभी दुबई में हूं, अमनदीप मेरी वाइफ को कॉल करता है, गंदी गंदी बात करता था,
मेरी वाइफ ने उसे ब्लॉक कर दिया, जय शनिदेव। और ये कल जो वीडियो हमने डाली थी जिसमें ये बात कही थी, उसमें ये मैसेज है। तो सरदारों में एक ही बोंदू है, वो है अमनदीप सिंह। आगे समझ में? और ये बात कपिल भाई जी ने कहा, कपिल आया है कि सरदारों में एक बोंदू है दुनिया का, और एक ही बोंदू सरदारों में पैदा हुआ, उसके बाद कोई बोंदू पैदा नहीं होगा सरदारों में, क्योंकि सरदार होशियार हो जाएंगे है? और कपिल पाजी जो है यहाँ आगे। अच्छा कपिल पाजी, एक सेकंड रुको, मेरे को ये बताइए अमनदीप क्या करता है वहां पंजाब में? उतने लोगों नु देखता है? बाबा बंदा जी हो, बाबा बंदा है, उतने लोगों नु देखता है, इतने फोन करता है, है? और दो चार मैं पंजाबी दसदा जी। हाँ पंजाबी दसा, ओहदे तो आपदी तो पूंजी नहीं जांदी, है लोकां ते बाबा बंदा हो। गल सही है, सही है, लोकां ते कहिंदा मैं जप करदा, ते आपदा उहनूं समझ नहीं आउंदा, रात नूं हाय हाय करी जांदा हुंदा पिया मुड़ के। साडे शहर दा बंदा, मैं की दसां जी, साडे शहर दा बंदा है, ते ओह लोकां नूं देखता है, और एथे जो है लिस्ट भेजता है, ओ भैया चेक करते हैं, हर्ष भैया चेक करते हैं, ते उत्थे बताता है कि तुहानू ये है, तुहानू ये है, तुहानू ये है, मैनू रात ने शनिदेव ने दस्या है। और ये अमनदीप सिंह जो है सरदारों में पहला ही भोंदू है और आखिरी भी भोंदू है, ठीक है ना? भोपा कह लो या खाने वाला भोपा कह लो, कितने लोगों नु बेवकूफ बनाया है अमनदीप सिंह ने। और ये जो अमनदीप सिंह है, मैंने पहले कहा था ये केवल महिलाओं के नंबर रखता था, और जो उस बंदे को दर्शाया था भगवान ने कि इन्होंने क्या किया है, मुस्कान गुप्ता ये भी इन्हें बुढ़ी जनानी की फोटो भेजी, मैंने बंदे जनानी नहीं भेजी उस दिन यार, तेरे तो चेक कराया मैं इतने बैठा, जनानी की फोटो भेजी, ये भी चेक करा, जनानिया के नंबर रखता है, और कोई गल काम ही नहीं है। ठीक है, ये धाम की भी सारी लड़कियों की फोटो और वो रखता है। वैसे आपने बहुत सारे पुराने बंदे, आपके पास 20,000 की लिस्ट आने वाली थी, 2 साल से कोई ठीक नहीं हुआ, आपके पास लिस्ट कहाँ गई? ठीक है, आप ये बात कीजिए, डिजिटल फर्स्ट न्यूज को फोन करके कुछ कुछ बताता है धाम के बारे में। अरे भैया इतना ही धाम बुरा होता तो तेरे को 2 साल शरण देता, शर्म है तुझे, तेरी आंखों में लिहाज है, सुअर का बाल है, सुअर का बाल, तेरे जैसे होशियार मैंने बहुत देखे हैं, ठीक है ना? तूने गुजराती लड़की को फंसा लिया होगा, ये दिल्ली वाले हैं, दिल्ली वाले ने तो मांस दिया तेरे को उल्टा, आगे ना समझ में? ठीक है, देखो वैसे दिल्ली वाले इतने दिल वाले हैं, हो सकता है मैंने तेरे को 100 जुत्ती मारी हो, लेकिन 100 जुत्ती 3 लाख रुपए एक देके एक जुत्ती मारी है, आगे ना समझ में? आ गया, मेरी जुत्ती खाली नहीं है, जुत्ती भी मारी है पैसा भी दिया है, जुत्ती भी मारी है पैसा भी दिया है तेरे को, जुत्ती मारी है पैसा भी दिया है, ठीक है ना? तेरा मुंह भरा है, तेरा मुंह भर गया सपोले, अब मुख भर गया तेरा, अब क्या करेगा बता? और कुछ कह ले तू मनु भैया पे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता, आज जो बंदे देख लेता तो तू पागल हो जाता, कितनी भीड़ आई है हमें नहीं पता। हाँ तू पूछता रहे अपने पिछले गुओं से, हाँ जो मनु भैया को चाहते हैं और जिनको पता है मनु भैया सत्य बोल रहे हैं, क्योंकि मनु भैया ने अब खाते में 1 रुपया नहीं रखना संस्था के, जो भी है वो सारा दान कर दिता सी, ठीक है, तो डिक्लेयर कर दिता सी किस किस नु कितना कितना देना है, पाना है, पाना देना, कोई गल ते डिक्लेयर कर दिता सी, और ते अगले सप्ताह तक एक भी पैसा आपको मेरे अकाउंट में नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि उस पैसे में एक ऐसा पैसा शामिल है जे था ते शनि मंदिर के इनाम का, लेकिन अब मेरा मन नहीं करता, और ए अकेला मनु भैया ये लोग 50 करोड़ रुपया होने के बाद भी दान नहीं कर सकते, ठीक है, और मनु भैया ने उतने में से ही उतना दे दिया, अब समझ लो कि हमारा बड़ा विशाल हृदय है, और डरने की कोई जरूरत नहीं है मुझे, तेरे से तो कभी नहीं डरना, मेरे पास सारा हिसाब है मेरा, एक दिन मेरे को मेरा हिसाब मांगता था कौन, करौली वाला, ते सारा अपना हिसाब नहीं दे पाया, ते तेनू मैं की छोड़ागा, छड़ागा, ते तू तो है भी कुछ नहीं हमारे सामने, ठीक है। खैर मैं बात दस दिता सी कि ना दी मोहम्मद ते लोग दी है ना, ते मोहम्मद साहब दे लोक विच इतना उज्जवल प्रकाश था, इतना उज्जवल प्रकाश था, जब मैनू वो उथे ही पहुंचते है, ते एक बड़ा 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 वो था दूत था भगवान का, उथे उथे दूत था,
जो उसके बड़े बड़े सींग थे, गंजा था, हेलमेट वो उतारते थे, क्या बोलते हैं उसको, मैंने नहीं नहीं मैंने उसको लिया, कांति को लिया मैंने जी। तो बहुत बड़ा दूत था, दूत के मुकुट था, मुकुट पे दो सींग, और दूत ने एक व्यक्ति के पैर उल्टे पकड़े हुए थे, ये करीम खान, अब्दुल करीम खान, पूरा टट्टी में धसा के यूं और यूं ऊपर उछाल दिया। अब आता है समझ में, करीम खान जी तो ये मोहम्मद का लोक है, यहां पर किसी की नहीं चलेगी, यहां जो दुनिया के साथ छल करेगा, ठग करेगा, ठगी करेगा, ते तुसी दस दस लाख दे 50 हवन करा लो, ते ना ते तुसी ठीक होगे, ना मनदीप सिंह भाजी ठीक होगेगा कभी भी, ठीक है ना। गुरुसेवक ते साडे नाल पीछे खड़िया है, ठीक है, तुसी देख लिया, अरे देखो किते अखां दे ते रट्टी पाई हुई है, हां तुहाडा ते सुरमा ही छूट गया यार, तुम्हारा तो सुरमा ही छूट गया, ठीक है, ते तुम तो टट्टी वाले तालाब में हो। जे दूत ने उठा के फेंक दिया अगली तरफ, गरम रेत था, कढ़ाव था, कढ़ाव में आपको तला जा रहा था, ये सारा सिस्टम मैं आपको अभी से बता देता हूं, जो होना ठीक है ना, जो पाप किया है वो कभी छिपता नहीं है और सारे भक्त लोग जानते हैं। तो मैं उन बच्चों से जो इसके चक्कर में फंसे हुए हैं वो अपने पैसे वापिस मांगे, जो चौथे ग्रुप में 125 लोग आ गए हैं, क्योंकि इससे कोई क्लास नहीं दी जाएगी अब, ना ये किसी क्लास के देने के लायक है और ना ही ये कुछ जानता है। गारंटी के साथ कहता हूं, लिख के देता हूं, बच्चों अगर आप शनिदेव महाराज को मानते हो और मनु भैया में प्राण रखते हो तो इसके पास एक डायन के अलावा कुछ नहीं रहा है, और उस डायन ने इसकी खराब मिट्टी कर दी, बिल्कुल खराब, इतनी खराब मिट्टी कर दी कि ये अब कुछ नहीं करने योग्य रहा। हाँ छली है, जैसे पहले बताया करता था, बताएगा जरूर आपको, ठीक है ना, लेकिन तीसरे ग्रुप के बाद इस पे जब डायन आई, मैंने इसको रोका, भाई रुक जा, तू मान जा, ठहर जा, इसलिए आई वो, क्योंकि इसने लोगों को चेक करना शुरू कर रखा था। जैसे ही चेक करेगा इसमें, इसने पहले भी लोगों को बताया, चेक किया, प्रेत लद गए, इसके पास कोई बाबा नहीं आया, कोई बाबा दी चार शक्ति नहीं आई, कोई बाबा नाम का कुछ नहीं आया, ये एक अलग संसार खड़ा करना चाहता था मनु भैया जी के अलावा, लेकिन वो ये कभी खड़ा कर नहीं पाएगा, क्योंकि सांच को आँच नहीं है, ये बात आपको समझ में भी आ गई है। वैसे आज की लिस्ट जो है वो 10 लाख से ऊपर पहुंची है, मैं दिखा देता हूं, हमारे रामन जी ने नई लिस्ट बनाई है ये नंबर के साथ, और ये जो लिस्ट है ये 10,84,000 क्या है, 81,443, ठीक है, 10,81,443, और कल के 19 तो 19,10,29 यानी कि टोटल मिला के 30 और 10,40 तो 40-50 लाख, यानी कि मिलियनेयर बनने के लिए आपको मुबारकबाद करीम खान, आप मिलियनेयर हो गए, बिलियनेयर बोलते हैं, मिलियनेयर बोलते हैं, मिलियनेयर, मिलियनेयर, भले तो मिलियनेयर क्या कम है यार, मिलियनेयर कम है, करीम खान के भाई का भी इतना बड़ा धंधा नहीं है, उद्योग नहीं है, ठीक है। वैसे करीम खान तुम कौन सा काम करते हो यार, नहीं कुछ और बताता है वो, जो पूरी बिल्डिंग बनाते हैं और कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं करीम खान जी हमारे, वैसे सो के 1 बजे उठते हैं, 3 बजे तक नहाते धोते हैं, लोगों के मुखातिब होते हैं, काम कब करते हैं, ये बात तो समझ में नहीं आई, रात को बनवाते हैं सारी बिल्डिंग है। तभी मुंबई रात रात में चलती है, क्यों करीम खान, जय शनिदेव, ठीक है। अच्छा मेरे मस्तक में कुछ फड़क रहा है, देख 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 देख, जल्दी देख, जल्दी देख क्या है, क्या क्या, ठीक है, ये चुड़ैले तुझे ही लग सकती है करीम खान, मानू भैया के आसपास भी नहीं भटक सकती, क्या बोल रहे थे यार, अमनदीप पाजी की चुड़ैल गई तब भी नहीं जाएगी, अमनदीप पाजी यार ये तुम्हारे लिए गलत मैसेज है यार, कल की वीडियो देखना उसमें ढूंढना यार, अमनदीप पाजी क्या बताते हो, मानू भैया ने प्रॉपर्टी जोड़ी है, जोड़ी है लोगों के लिए, जोड़ी मैं कब कहता हूं, ठीक है, यहां लोग नहीं बैठे हैं, देखो कितने लोग बैठे, दिखा दो भाई कितने लोग बैठे अमनदीप पाजी को, अरे लोग बैठे इसलिए जोड़ी है अमनदीप पाजी, ठीक है, तेरे जैसे भी लोग आते हैं, अब जो तेरे जैसे लोग आएंगे एक दो तो आएंगे, ठीक है। एक बात बताओ, जब तुम खाली बैठ के खाना चाहते हो, किसी का खाना चाहते हो, 1 रुपया खर्चना नहीं चाहते, तुम्हारे जैसे आते हैं उनको भी तो शरण देनी पड़ती है, अमनदीप सिंह पाजी जी, ये मैं बात बताऊं, आज दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अरबों खरबों रुपए की उनके पास जमीन है, चाहे उन्होंने कभी बहुत सस्ते भाव में खरीदी हो, उनको लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, ये धाम है यहाँ, बहुत बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है, हमारे पास तो गाड़ियां खड़ी करने की भी जगह नहीं है,
वो तुम्हारी बात पे आय हाय कर गई। गाड़ियां खड़ी करने तक की जगह नहीं है, तो इसके लिए भी तो हमें जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो अमनदीप पाजी आप क्या कहोगे? अरे सरदार, पहली बात तो सारे सरदारों में तू ही भोंदू सरदार है। एक गुरुद्वारों को चलाने के लिए, केवल एक गुरुद्वारे को चलाने के लिए कम से कम 20 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। और सुनो, मैं ऐसा हिंदू हूं इकलौता कि भारत के करोड़ों मंदिर ऐसे हैं जिन पे एक एक दिन में करोड़ों करोड़ों रुपया आता है, और उन्होंने पूरे लॉकडाउन में लोगों को भंडारा तक नहीं खिलाया है। आगे ना समझ में, बिल्कुल सही। और मैं इकलौता इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कम में से ज्यादा देना जानता हूं, लोगों से तो ज्यादा में भी कम नहीं दिया जाता। ये मैं तेरे को बात बता रहा हूं अमनदीप पाजी, पहला भोंदू सरदारों में तू है और आखिरी भी। आगे ना समझ में। और ये लड़कियों के नंबर वंबर लेना छोड़ दे यार, तू क्या इस फरमा रहा है? उम्र तो देख ले, उम्र का ख्याल कर ले यार, तेरे बच्चे बड़े होते आ रहे, तेरी पत्नी ने वीडियो देख ली तेरी तो पिछवाड़ा लाल कर देगी। ओ भाई मैं गलत कह गया, अमनदीप पाजी समा करना है यार। अच्छा उत्ते गए थे 11 दिन के लिए, कौन से लोग, कौन सा लोग देखा आपने? अमनदीप पाजी एक बात बताऊ मैं, आपका वजन इतना, आप ऊपर से कूद गए शेषनाग के फन पे, ठीक है? उनको तो बड़ा दुख हुआ होगा, बड़ा कष्ट हुआ होगा, तेरे जैसा भारी आदमी उनके फन पे खड़ा होके नाच आया है। शर्म आती है अमनदीप तुझे? थोड़ी सी भी शर्म आती है? हैं, क्या फिल्मांकन कर रहा था तू है भाई? पहले नहीं गया जिंदगी में तू कभी? हैं, पहली बार केदारनाथ के दर्शन करा दिया? ओ फ्री में हो गए यार, वो फ्री में दर्शन, वो भी केदारनाथ के? अमनदीप पाजी यार कमाल की बात है। ओहो तुसी तो बहुत सारे लोग का भी देख घूमा कर तो दिया था क्या? जब मेरे साथ आपने कहा इस बार नहीं आया, मैंने कहा जी मैं तो पहली बार में हाथ खड़े हो गया, आपने कहा हमें तो पहले ही पता है। हमें तो पहले ही पता था। ठीक है, आपने 3 महीने पहले डिक्लेयर कर तो दिया था ये बात। मैंने तो बता दिया था, देखो मैंने तो सभी को बता दिया था कि ये भी लोभ और स्वार्थ के कारण आता है करीम खान, और जब तक लोभ और स्वार्थ पूरा नहीं होगा तब तक जाएगा भी नहीं। और हम इसको भगा इसलिए नहीं सकते क्योंकि हम भगवान के भक्त हैं, ये द्वारा सबके लिए है, ठीक है? और हम साबिर प्यागे मुरीद हैं, वो ये सोचेंगे, हालांकि ये चौथा मुस्लिम था जो मेरे साथ दगा करके गया, ठीक है? शायद जो है ना मन कांप गया, रूह कांप गई, क्योंकि मुझे पता था इतनी जल्दी इतनी तेजी पैसा कमाने की उत्तरे की। 600 लोगों में से कितने की दृष्टि खुली? 6 की भी नहीं। सबके पैसे कौन हजम कर गया? अब्दुल करीम खान, रहीस अब्दुल करीम खान है, रहीस सेठ, मुंबई का सेठ, भगवान का मैं पालतू कुत्ता चित कर रहे रंग का, मेरी भेड़ों को यानी कि भगवान की भेड़ों को पहली बार मुंबई का एक शेर खान खा गया। 600 भेड़े, 700 भेड़े, 800 भेड़े, गिनती अभी पूरी नहीं हो पाई है, बाद में गिनती बता दूंगा मैं आपको, कोई बात नहीं। इतनी भेड़े खा गया, अरे भगवान ने मुझे बहुत लानत भेजी। और मैंने कहा भी कल कि अगर मेरे से कोई अपराध हो गया वो करीम खान के खिलाफ, वैसे तो सी समकुट कर भाल है गल में मुक्तन माल, रवि छाया के लाल का क्रोध अजब मंद छा। देख करीम खान, मुझसे कोई जीता नहीं है ना जीतेगा, क्योंकि सत्य की ही जीत होती है, असत्य कभी जीतता नहीं है, ठीक है ना? फिर तेरी मूर्खता है, तुम मुझसे जीतना चाहेगा, एक बात। दूसरा, 3100 रुपए किसके? तेरे देखने के। 5100 रुपए किसके? तेरे दृष्टि खोलने के। सारे 5100 और 3100 तेरे को पहले क्यों नहीं मिले? यहां आने से पहले क्यों नहीं मिले तेरे को? हाँ, मानू भैया के अलावा काम करके देख, फिर बता कितने। 5वां ग्रुप बना के तो देख, एक भी आदमी जुड़े तो मेरे को बताइयो है, कमी ने कहीं खड़ा भी है धरा पर? ये बहुत मेहनत करके, बहुत बहुत पसीना निकाल के ये इतना मुकाम पर पहुंचा हूं मैं, ऐसे तेरी तरह नहीं, 6 साल से एक भी छुट्टी नहीं है और तू लाफरदाने में कहां कहां घूमता है। अरे तेरे से पहले भी बहुत सरदार वहां गए होंगे गुरुद्वारे में, बहुतों ने भी वो वृक्ष देखा होगा, बहुत से उसके नीचे सोए भी होंगे, क्या सब कुछ तेरे को ही उतरता दिखाई देता है? तूने सोचा नहीं ये बात है? तू बक 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 निखिल मुंबई बन गया, निखिल मुंबई से क्या करा लिया तूने? हाँ, करोड़ों अरबों रुपया उसकी तरह कमाना चाहता है भाई। क्या कहते हैं, पहले ईमानदार बनो, बेईमान मत बनो, पहले क्या बनो? ईमानदार, लोयल रहो किसी के प्रति, ठीक है ना? अरे भैया मैं आया हूं, ये नहीं आंख मार दी 60% चाहिए 100% चाहिए, ठीक है 60% लेना है 100% लेना है, ठीक है नहीं मैं 60% रखूं 100% रखूं, ऐसे करके भाई आंख मारनी छोड़ और मुंबई वाला ना बन के सीधा साधा एक इंसान भी तू बन जाएगा, ढंग का वो भी,
ठीक है ना, तो भी काम चल जाएगा, आगे ना समझ में। हाँ, तो आपके लिए हिदायत भी है करीम खान, मौत से रहो, सुख से रहो, लेकिन किसी के साथ छल मत करो। जो तुमने किया वो अन्य किसी के साथ मत करना। अभी भी समय, मान जाओ, बाज आ जाओ, क्योंकि अगर तुमने अब की बार कुछ किया उल्टा सीधा का तो मनु भैया नहीं छोड़ते फिर किसी को। ये बात भी देख लियो, मैं ऐसे टांगता हूं और ऐसे वृक्ष पर टांगता हूं कि गिरने के बाद नीचे सर के बाल ही पड़ता है आदमी, ठीक है ना, ऊपर नहीं उठता। ये बात लिख ले, मैं शनिदेव का भक्त हूं, छोड़ता नहीं किसी को भी। ये भी बात लिख देता हूं, मैंने अच्छे अच्छों को नहीं छोड़ा, दुनिया जानती है इस बात को। आ गया ना समझ में, जो करने वाला है उसको भय नहीं होता और जो सच्चा है उसको भी भय नहीं होता। और मैं निर्भय हूं संसार में क्योंकि मैंने भगवान के दर्शन किए हैं, मुझे बचाने वाला वो है, मैं ये जानता हूं मूल में, कोई और नहीं जानता। ये धीरे से जो भगवान की शरण में जाता है, जिसने दर्शन किए होते हैं वो ही मानता है इस बात को, बाकी और कोई नहीं मानता, बाकी सब भयभीत है इस संसार में। ये भी बात याद रखियो, तो मुझे कोई भय नहीं है, मुझे ना मैंने किया है ना मैं डरता हूं, और जो मैंने किया है पसीना बहाया है और उसका जो फल मेरे पास है वो तो रखूंगा ही, मेरे भाग्य में है, महालक्ष्मी योग है मेरा, ठीक है ना, वो तो मैं भुगतूंगा ही भुगतूंगा, कोई और नहीं। मैं पर्वत पे भी जाके बैठ जाऊंगा, वहां भी आश्रम बन जाएंगे और वहां भी बड़ा कुछ बन जाएगा, लोग अपने आप आ जाएंगे, अपने आप टपक जाएंगे, कहां से आए कैसे आए ये किसी को नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं जिस दिशा में मुख करके जाप करूंगा वहीं से शक्ति भी उत्पन्न होगी, लक्ष्मी भी उत्पन्न होगी, धर्म भी उत्पन्न होगा और मोक्ष भी उत्पन्न होगा। ये बात समझ लो, जिस दिशा में मुख करके जाप करूंगा। मेरे भाई खूबसूरती से रहो, ठीक है, अपना आचार विचार ठीक रखो, छल मत सीखो, क्योंकि छल तुमने एक बार कर लिया इसका परिणाम क्या क्या भोगना पड़ सकता है। मैं फिर भी शनिदेव महाराज से तेरे लिए जो है क्षमा प्रार्थना की भीख मांगता हूं कि वो तुझे राहत दे, शांति दे, लेकिन लोगों को बहकाना तू छोड़। जो तूने खा लिया कमा लिया उसको खा और पदड़ा, लेकिन फिर भी मैं जो तेरा चौथा ग्रुप है उनके लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने पैसे वापिस ले लें इससे और इसके ग्रुप को फौरन छोड़ दें, फौरन छोड़ दें। इसका सब कुछ घटता आ रहा है, सब्सक्राइबर भी और ग्रुप मेंबर भी, तो ये अपनी हद में रहे, आगे कभी भी ऐसा काम ना करे, स्वस्थ रहे और क्या कहते हैं अपने बच्चे पाले और अपने बच्चों को पालने के लिए केवल मेहनत के पैसे लगाए, जैसे मैं मेहनत के लगा रहा हूं अपने बच्चों को पालने के लिए, ठीक है, बिना मेहनत के नहीं, बिना खून पसीने के नहीं, ठीक है ना। जो आज दिखता है आसान फूला फूला वो मनु भैया ने बहुत कठिनता से लिया है, वो बहुत कठिनता से पाया है और इसको पाने के लिए उम्र लग जाती है, लोगों की सदियां लग जाती हैं। इसलिए जो नाम भी कमाया है और जो लोगों के दिलों में छाया हुआ है वो इसलिए कि लोगों के कार्य होते हैं, बिना कार्य हुए कुछ नहीं होता। और तू 20,000 कह रहा है, अगर तू 1,000 आदमियों की लिस्ट बना दे तो मैं मान जाऊं, ठीक है ना, मुस्लिम ही बन जाऊंगा अगले दिन, धर्म भी चेंज कर लूंगा। आ गया समझ में? हाँ, तो गंजे थोड़ा संभल के बोला करो, ठीक है, हर बार आपका जो क्या कहते हैं वो लगाया हुआ है आंखों में सुरमा लगाया हुआ है, काजल लगाया हुआ है, वो आपको ज्यादा दिखाने लगाया, ठीक है, उसकी कंपनी शायद अच्छी मिल गई है तुझे, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा मत देखो भाई, देखो नियम से देखो, उतना ही देखो जितना दिखता है, फालतू देखने की कोशिश मत करो। तुम बहुत बहुत पैसे गिन रहे हो, अब भाई अगर तुम पैसे गिन रहे हो तो इसका मतलब तो तुम इसी के लिए आते थे, लोगों को बोलते भी थे। आपने वीडियो में बोला मनु भैया जी तो फ्री काम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, आगे ना अपने वचन से टल जाते हो, या तो मैं गुरु था या मेरी इतनी निंदा, वाह। और पैसे की चर्चा आपने शुरू की थी, आपने ही सब कुछ किया, हमने तो केवल इतना कहा कि लोगों को कि भैया आप लोगों ये बताओ क्या कहते हैं किस किस को लाभ हुए, किस किस की दृष्टि खुली। अब लोगों के फोन आ गए, लोगों के वो आ गए और थर्ड ग्रुप में किसी को भी एक भी क्लास दिए बगैर तो आप यहां से गए और डेढ़ डेढ़ महीना घूम के आए, 15-15 दिन घूम के आए। तो भैया ऐसा नहीं चलता है, ये अध्यात्म है, अध्यात्म धीरे से नहीं मिलता है, बिना लोभ छोड़े नहीं मिलता है। तो मिल तो गया, क्यों कपिल पाजी? जय जय हो गई। दोनों चीज चाहते थे, पैसा और नाम, पैसा भी मिल गया और फ्री में नाम भी दे दिया मनु भैया ने, और सारी दुनिया जान गई है आपको। जय शनिदेव, जय शनिदेव।